الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليك وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في مآرج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صبيا رب يسر ولا توسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يَفْقَهُ قولي اللهم ارحمنا بالقران العظيم باب العلم انواريا اكدكيشنال سوسايتي بوجاميا انواريا حيدر انديا كي زیر احتمام. र नस्फी की वीडियो रिकॉर्डिंग किस बार जारी है हमारा आज का बयान पारा नंबर सोलह सोरह नंबर उन्नीस की आयत नंबर सोलह से शुरू होता है वस्कुरफिल किताब मरियम किताब में मरियम का हाल सुनाओ वास्कुर फेले आम्र है खिताब तो मुफसर कहते हैं नबी करीम वसल्लम से है ए महबूब किताब में अल किताब में लाम अहद के लिए है माहूद क़ुरान है कुरान से उसकी तरफ मुफसर इशारा करना चाह रहे हैं कि अल किताब में लाम अहद के लिए है तो इस किताब में ए महबूब ए नबी इस किताब में यानी कुरान में मरीम का ज़िक्र करो यानी मरियम का हाल सुनाओ उनका किस्सा सुनाओ एकर अले फिल कुरान किस्सा था मरियम यानी लोगों को कुरान में मरियम का किस्सा सुनाओ क्यों लेको अलेहा व माजरा अलह ताकि लोग उन पर वाकिफ़ हों लोगों को उनकी वाक़ियत हो मरियम की और जो वाक़ उनके साथ हुआ उसकी लोगों को जानकारी हो तो मुफसर कहते हैं इस किताब में मरीम का किस्सा लोगों को सुनाओ मरीम का किस्सा लोगों को सुनाओ इस आयत का मफहम ये है क्यों ताकि लोगों को मरीम के बारे में वाकफियत हो लोगों को मरीम के बारे में वाकफियत हो और क्या कुछ उनके साथ हुआ बिलखसूस उस वक्त से जबकि बैतलमस के शर की जानब में गोशा नशी हुई और जबरील आए जबरील आए उस वक्त से उनके साथ क्या कुछ हुआ क्या कुछ हुआ उसकी लोगों को जानकारी हो इसलिए इसलिए लोगों को मरियम का किस्सा सुनाओ ऐसा मुफसर कहते हैं तबादत ज़तमिन अह मकान शर किया मरीम का किस्सा लोगों को सुनाओ उस वक्त का उस घड़ी का जिस घड़ी के मरीम अपने घर के लोगों से जबकि वो यानी मरीम जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर की जानब गोशा नशी हो गई मकानन शर की या शर की जानब गोशा नशी हो गई थी फतज़त मिंदू नहीं भेजा और पर्दा डालकर उनसे छुप बैठी थी ये रुआत का तर्जमा है कहते हैं इस बदल मिन मरियम नेहवी गुफ्तु है इज़ ये मरियम से बदल है कौन सा बदल है तो कहते हैं बदले इस्तेमाल है इस्तेमाल क्या होता है वो ताबे है जो मुबदल मिन का मतलब हो वो ताबे है जो मुबदल मिन का मतलब हो जैसे शोले ब जैदनफह जायद उसका कपड़ा छीना गया सौ बहू जैद का मतलक है ये सौ बहू यही बदल है और ये बात आपको मालूम है कि बदल ही मकसूद हुआ करता है बदल ही मकसूद हुआ करता है तो कहते हैं ये बदले इस्तेमाल है बदल बदलुम मिन मरियम मरियम से बदले इस्तेमाल है कैसे इसलिए कि अहियान अवकात घड़ियाँ मुश्तमिल होती है उन चीज़ों पर जो उन घड़ियों में हुआ करती है और बदले इस्तेमाल है तो फ़ी है अनल मकसूद बेजिक्र मरियम ज़िक्र वक्त हा हाजा लिवकुए हाजिल जहल अजीबा फ़ी और बदले इस्तेमाल ये है तो इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि मरियम के, के ज़िक्र से जो है कि बस उर्फिल किताबें मरीम इशारा है इसके जरिए से जो बदले इस्तेमाल है बदले इस्तेमाल ला कर करके इशारा है कि मरियम के जिक्र से मरियम के इसी वक्त इज इस, इज इज़ इन तबाजत इशारा है कि मरियम के जिक्र से मरियम के जिक्र से मरियम के इस वक्त इसी वक्त का जिक्र मकसूद है क्यों लेवकुए हाजिल के सतिल अजीब आफ़ी क्योंकि इसी वक्त में वो अजीब किस्सा रूनवा हुआ वाक़ हुआ जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है तो कहते फी है बदले इस्तेमाल लाए जाने में इशारा है कि मरीम के ज़िक्र से मरीम के इसी वक्त का ज़िक्र मकसूद है क्योंकि ये अजीब किस्सा इसी वक्त में हुआ है तबज़त मिन मकानन शर किया जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर की जानब गोशा नशी हो गई थी फरतखजत मिंदू नहीं भेजा और पर्दा डालकर उनसे छुप बैठी थी छुप बैठी थी सूर्य अल इमरान में गुज़र चुका है कि हज़रत मरियम की वालदा ने अपनी मानी हुई नज़र के मुताबिक उनको बैतुल बैतिलमक़दस में इबादत के लिए बिठा दिया था और हज़रत ज़करिया उनकी हिफाजत के फालत अपने ज़िम्मा ले ली थी वहाँ ये ज़िक्र भी गुज़र चुका है कि हज़रत मियम बैतुलमकद की एक में बैतुलस की एक मेहराब में मोतकिफ हो गई थी अब यहाँ तबज़त मिन अहलहा अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो मेहराब जिसमें हज़रत मरियम मोतकिफ थी बैतुलमदस के शरकी शर हिस्से में वाक़ थी मीनाल मकानन शर्किया वो मेहराब मह, जिसमें वो मोतकफ थी वो बैतुलमकद के शरकी हिस्से में वाक़ थी और उन्होंने मोतकफिन के आम तरीक़े के मुताबिक एक पर्दा लटका कर अपने आप को देखने वालों की निगाहों से महफूज कर लिया था इतनी सी बात का इजाफ़ा है तो अर्ज़ ये है कि यहाँ पर जो इबारत आ रही है जो हजरत मरियम का किस्सा चल रहा इसको सूर्य अल इमरान में जो बात गुज़र गई है उससे इलाहदा कर कर के देखेंगे इलाहदा कर के देखेंगे तो मफहम का कुछ, मफहम कुछ का कुछ हो जाएगा कुछ से कुछ हो जाएगा इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि किस्सा हजरत मरियम ही का है इस किस्सा को बयान करने वाली ज़ात भी एक ही है एक ही है तो दो जगह किस्सा का बयान है तो एक को दूसरे से अलग कर कर के देखने देखने की वजह से मफहम में कुछ न कुछ तब्दीली हो सकती है इसलिए इसलिए यहाँ के ज़िक्र को सूर्य आले इमरान के ज़िक्र से पैवस्ता कर कर के हमें देखना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ के जिक्र को वहाँ के ज़िक्र से बिल्कुल इलाहदा करें और अल्फाज में अगर कुछ गुंजाइश हो कुछ दूसरे मफ़ूम की अल्फाज में गुंजाइश हो तो कलाम को दूसरे मफ़ूम की तरफ अल्फाज में गुंजाइश की वजह से फेर दिया जाए ये मुनासिब नहीं होगा मुनासिब नहीं होगा कि महज अल्फाज की गुंजाइश का फ़ायदा उठा करके उठा कर करके और इसको सूरह आले इमरान के बयान से अलग कर करके अलग करके एक मफ़ूम बयान के कर दिया जाए अगर ऐसा किया जाए तो मेरे ख़्याल से ये गैर मुनासिब है क्योंकि किस्सा एक ही शख्सियत मरियम का है और किस्सा बयान करने वाले भी एक ही जात है एक यहाँ तस्करा है एक सूरे आले इमरान में तस्करा है तो दोनों को पावास्ता करके देखने की ज़रूरत है मैं इस बात पे ज़ोर क्यों दे रहा हूँ अभी आने वाले तीन चार सत्रों में ये बात इन शाह हो जाएगी कि मैं इस बात के ऊपर क्यों ज़ोर दे रहा हूँ कि इसको अल इमरान से जोड़ देखने की ज़रूरत है जत में न लिहा ए तजलत तफसीर से बताना चाह रहे हैं इंतबाज जो इंतबाज एतजाल के माने में है गोशा नशी होना तो इंतबत ए ए तजलत गोशा नशी हुई मरियम मकानन शरकिया शरकी शर ये गोशा नशी क्यों हुई उन्होंने शर की जानी तो कहते तख्लत लिल इबादत फी मकान इबादत के लिए गोशा नशी हुई ऐसी जगह में बैतुल मकदस ऐसी जगह में जो जगह बैतुल बैतुलमकद की शर की जानब से मिली हुई थी जरा सा मेरे बयान से ज़रा सा फ़र्क है क्योंकि इमरान में है गुज़र चुका है कि मरियम बैतुलमकदसिस की एक महराब में मौतकफ़ हुई थी अब यहाँ पर है तबजत मिन अहलहा मकानन शर्किया तो माना यह है कि मेहराब जिसमें वो गोशा नशी हुई थी मेहराब जिसमें वो मोतकफ हुई थी वो बेतुल बैतुलमकद ही में था और बैतुलमद से वो बेतुल बैतुलमदस से मुत्तसिल था तो तख्बाद इबादा गोशा नशी हुई थी इबादत के लिए उस जगह में जो जगह बैतलमस के शर जगह बैतुल बैतलमस के शर जानिब से मुतसिल थी ये तो तफसर बिल्कुल सही है ओमिनदारे या अपने घर के शर की जानब मतजज मतजज़लान्नास लोगों से सेलहदा हो के तो पहली तफसीर तो बिल्कुल मुताबिक है उसके जिसका आले इमरान में जिक्र है मगर दूसरी तफसीर ये उस वक्त दुरुस्त होगी जब होती थी जबकि सूर्य अल इमरान में ये ज़िक्र नहीं गुज़रता ये ज़िक्र नहीं गुज़रता कि मरियम बैतुलमकद्दस की एक महराब में मोतकफ मोतकफ हो गई थी ये जिक्र नहीं गुज़रता ये बयान वहाँ नहीं आता था तब दार से मंदा से तफसर मुनासिब होती थी हो सकती थी तफसीर की जा सकती थी लेकिन जब इस बात की तस्री वहाँ पर है तो फिर मंदा का कोई मफहम नहीं होता सिर्फ़ अल्फाज यहाँ पर जो कलाम है यहाँ पर जो अल्फाज हैं उन अल्फाज की गुंजाइश से फ़ायदा उठाते हुए ये तफसीर ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आती आलम श्वाब वकील और ये कौल तो और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है के अल्ला रब्ज़त क्या फरमाता है एजिन तबाजत आज़त मिन अहल मैं लफजी तरजुमा कर रहा हूँ जब वो गोशा नशी हुई मिन अहलहा अपने लोगों से अलग होकर मकानन शर किया मशर की जानब बतमदस के मशर की गोशा नशी हुई तो गोशा नशी हुई बैतुलमक़दस की मशर की वकील इस और एक कौल ये है कि आदत का फी मशरक़ा दिन लिल अखसाल मिनल हैज ये बहुत कमज़ोर कॉल है समझ रहे हैं कि वो हैज़ का गुसल करने के लिए बैठी मशरका में मशरक़ा कहते हैं धूप में बैठने की जगह धूप में बैठने की जगह तो ये ये जो तफसर है और इस तफसर के ऊफ़ ये तफ़ी ज़यीफ़ है इसे ख़ुद साहिब मदारिक कील से जाहिर कर रहे हैं कील से जाहिर कर रहे हैं कि यह तफसीर इतहाई ज़ईफ़ है कील से जाहिर कर रहे हैं मगर फतखज़त के अंदर जो ख़ुद ये तफसीर कर रहे हैं उससे इसकी तायद कर रहे हैं तो ये तफसीर मेरे नज़दीक मेरे नज़दीक ये तफसीर इंतहाई कमज़ोर है इंतहाई कमज़ोर है बल्कि इसकी तफसीर वही होनी चाहिए जो सूरह आले इमरान में गुजरी क्या के मरियम मकदिस की एक मेहराब में मोतकिफ हो गई थी अब यहाँ पर क क्या कहा जा रहा जो मकदिस के मेहराब में मोतकिफ हो गई थी अब यहाँ ये यह बताया जा रहा कि वो मेहराब जिसमें हज़रत मरियम मोतकिफ थी मकदिस के शरकी हिस्से में वाकई थी इतनी सी बात बताई जा रही और ये बात सबको मालूम है कि वहाँ के एतिकाफ़ का तरीक़ा ये था मोतक़फ़ीन के आम तरीके ये थे कि जब वो एतिकाफ़ में बैठते थे तो एक पर्दा लटका लेते थे इन्होंने भी एक पर्दा लटका लिया ताकि देखने वालों की नज़र से अपने आप को महफूज कर लें ये है यहाँ पर मफहूम फ़त मिन नही हिजाबा और पर्दा डालकर उनसे छुप बैठी थी ये अले इमरान को देखते हुए इसकी ये तफसर होती मुफसर कहते हैं जज़त मंदून हिम हिजाबा की तफसर मुसनफ़ मुफसर अपने अल्फाज में अपने अल्फाज में इस तरीक़े से करते हैं कि ज अलत हाँ व बैन अहलहा हिजाबन मरियम अपने और अपने घर के लोगों के दरमियान एक पर्दा डालने अपने आप को छुपाने के लिए ताकि वो उस पर्दे के पीछे गसल कर सकें ये मुसनफ़ की तफसीर है मगर मुझे इससे इतफ़ाक़ नहीं है कि गुसल करने के लिए पर्दा डाली थी बल्कि मेरी राय ये है मेरा ऐसा समझना है कि पर्दा डाली थी मोतकफिन के अहम तरीक़े के मुताबिक मोतकफिन के आम तरीक़े के मुताबिक ये पर्दा डाली थी किस लिए किस लिए पर्दा डाली थी किस लिए पर्दा डाली थी इसलिए नहीं कि गुस्स के वक्त अपने आप को छुपाए इसलिए पर्दा नहीं डाली थी बल्कि उन्होंने पर्दा डाली थी देखने वालों की नज़र से अपने आप को छुपाने के लिए मुझे ये बात ज़्यादा साफ़ नज़र आती है इसलिए मेरा इसकी तरफ रुझान है फारसना अलेहा रूहना चुनानचे तो हम उसके पास अपनी रूह को भेजे अल्लाह रब्ज़त फरमा फरमाता है तो हमने उसके पास अपनी रूह अपनी रूह को भेजा रूह से मुराद यहाँ पर मुफसर कहते हैं जबरील आल्लाम है हमने मरियम के पास जबरील को भेजा अब जबरील की ताबीर अलैहिस्सलाम की ताबीर अल्लाह रबुल्ज़त ने रूहाना से फरमाया, रूहाना से फरमाया कि हमारी रूह, हमारी रूह तो इस सिलसिले में आज ये है कि अलैहिस्सलाम की ताबीर रूह से कुरान में और दूसरे मकाम पर भी की गई है दूसरे मकाम पर भी की गई है इसलिए ये बात तो बिल्कुल वाजह है कि रूह से यहाँ पर मुराद सलाम ही है सलाम है मगर सलाम को अपनी रूह कहा जाना अपनी रूह फरमाना ये यानी रूह की इजाफ़त अपनी अपनी तरफ़ करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो ये ऐसे ही है जैसे कि बैत की इजाफ़त अल्लाह की तरफ़ की जानी बैतुल्ला तो जिस तरीके से बैतुल्लह में बैत की इजाफत अल्लाह की तरफ है इसी तरफ रूह की इजाफत रूह नाम है रूह की इजाफत अल्लाह की तरफ है जिस तरीके से बैतुल्ला में बैत की इजाफत अल्लाह की तरफ तशरीफ़ के लिए है तशरीफ़ के लिए शर्फ़ अता करने के लिए है इसी तरीके से रूह की इजाफत ना यानी अल्लाह की तरफ तशरीफ़ के लिए कहतेवल इजाफत तशरीफ़ और इजाफत शर्फ देने के लिए है तशरीफ के लिए है व इन में रूहा जिबरी अमी का नाम रखा गया रूह उनको रूह का लकब दिया गया लकब भी नाम ही है नाम की एक किस्म इन में रूहा जबरे जबरील अमी को रूह का लकब दिया गया उनको रूह कहा गया क्यों क्यों रूह कहा गया कहते हैं लिया न दीन याबी इसलिए कि दीन जबरील से जिंदा होता है और उसकी वही से ज़िंदा होता है इस वजह से उनको रूह कहा तमाम अम्बिया कराम के पास वही लाने तमाम अम्बिया कराम के पास वही लाने की ख़िदमत ख़दमत ही के ज़िम्मा में थी वही वही लाते थे वही लाते थे खा वो वही कुरान के शक्ल में हो या तोरात की शक्ल में हो या ज़बूर की शक्ल में हो या इंजील की शक्ल में हो या दिगर शोफ़ की शक्ल में शक्ल में हो बहर हाल वही लाने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की थी और इस जाहिर सी बात है कुरान से कुरान से दीन जिंदा तौरात से दीन जिंदा उसको कहते हैं नहीं दीन यही अब ही इसलिए कि दीन उससे ज़िंदा होता है जिंदा होता है और उनकी वही से दीन ज़िंदा होता इसीलिए उनका नाम इसीलिए उनका नाम रखा गया रूफ़ फ़ालह बशरन सविया वो उसके सामने जबरील वो उसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हुआ जबरील उसके सामने मरियम के सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हुआ मुफसर कहतेमलह जबरील फ़ी सूरत आदमी शाह बिन अमृत वजील वजह चादिस तो जबरील उसके सामने बेरेश, ख़ूबसूरत घुंघरियाले, बाल वाले जवान आदमी की शक्ल में नमोदार हुआ सवी या मुस्तबी खालक इंसान इंसान की शक्ल में मरीम के सामने वो नमोदार हुआ जबरील यमी फरिश्ता हैं फरिश्ते को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी दी है कि वो जो शक्ल चाहें अपनाए इंसानी शक्ल को ही उन्होंने अपनाया इंसानी शक्ल को अपना करके मरीम के पास वो आए क्यों ले सब कलाम ही ताकि ताकि मरीम को उसके कलाम से जबरील के कलाम से ऊंस हासिल हो और एराज़ न करें उन्हें वहशत न हो और अगर उनके सामने अगर उनके सामने इसके बजाय फरिश्ते की सूरत में वो नमोदार होते मरियम के सामने फ़रिश्ते की सूरत में जबरील नमोदार होते तो क्या होता वो एराज़ करती और उनके कलाम को सुन नहीं सकती सुन नहीं सकती इसीलिए लिए जबरील इंसान की बशर की शक्ल में उनके सामने जाहिर नमोदार हुए कलत इओ जबिर इनकुन तकिया मरियम यका यक बोल उठी अगर तुम कोई खुदा तरस इंसान हो इनकुन तकिया अगर तुम कोई खुदा तर्स इंसान हो तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ قال इमा रसूल رسول रबी ربك रबिकी जबरील अली सलाम ने जवाब दिया मैं तो तुम्हारे रब का रसूल हूँ मुफसर कहते हा मिम्मा खाफत इतमान दिलाया जबरील ने मरियम को उस चीज़ से जिनका उनको खौफ लाइक हुआ था वह अखबर अन नू लेसा बे आदमी और उनको बताया जबरील ने कि वो आदमी नहीं है बल हुआ रसूल ही वो आदमी नहीं है बल्कि उसका रसूल है बल्कि वो उसका फरिश्ता है जिससे उसने पनाह तलब की पनाह मांगी ले अहबला के मैं तो तुम्हारे रब का रसूल हूँ और इसलिए आया हूँ ले आहबाला के ताकि मैं ले लेबला के गुला ज़किया ताकि मैं तुझे एमरियम एक सुथरा बेटा अता करूं बेजन ला इस तफसीर से इशारा करना चाह रहे हैं मुफसर कि बेटा देना ये अल्लाह ताला का फ़ेल है मगर मगर हिबा की नस्बत यहाँ जबरील की तरफ है जबरील की तरफ है तो तो जबरील की तरफ है तो उसके जवाब में कहते हैं कि जबरील की मुराद ये है कि मैं तुझे ए मरियम बेटा दूँ अल्लाह की इजाज़त और उसके हुक्म से क्योंकि उसी ने मुझे भेजा है इस वजह से हिबा की नस्बत जबरील की तरफ है ले अहबा में या ये नस्बत जबरील की तरफ देने की नस्बत इसलिए कि जबरील हिब गुलाम में सबब है कैसे सबब है बही तो के दम मारना वलद के हसूल के लिए एक सबब हुआ इसलिए इसलिए हिबा की नस्बत यहाँ जबरील की तरफ करती गई है मगर ये लंबी चौड़ी बात की उतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ताकि मैं तुम्हें दूँ मैं दूँ ज़ाहिर सी बात है मैं अपने से तो तुम्हारे पास आया नहीं हूँ मैं भेजा गया हूँ और मुझे भेजा है अल्लाह ने लड़का देने के लिए तो देने वाला अल्लाह ही है लफ्ज़ भले यहाँ पर है ताकि मैं दूँ मैं दूँ अल्लाह के भेजने से यानी देने वाला यहाँ पर देने वाला वही है देने वाला वही है जिसने भेजा है ये माँ सबक से ये बात मालूम होती दूसरी बात ये किलाफ़ करत का एक फ़ायदा ये है इख्लाफ किरत से भी एक किरत से दूसरे की तफसीर हो जाती है तो कुर्रा साब आम कुर्राए साब आम अबू अमर बिसरी और नाफ़ मदनी की किरत ले आहबाला के नहीं है बल्कि इनकी किरत है ले या हाला के अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैं तुम्हारे रब का फरिश्तादा हूँ तुम्हारे रब ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है क्यों भेजा है ले यह ले यहाबला के ताकि वो तुझे यानी तुम्हारा रब तुझे एक सुथरा बेटा दे तो इस किरत से तो बात साफ है कि हिबा की नस्बत अल्लाह की तरफ़ है हिबा की नस्बत अल्लाह की तरफ, तरफ। हाँ वो किरत हो ले अहाबला के तो वो तफसीर जो मुफसर ने की अल्फाज उसकी इजाज़त देते हैं अल्फाज में गुंजाइश है अल्फाज से फ़ायदा उठाकर वो तफसीर हो सकती है जो इन्होंने की है जकी उसकी दो तफसर करते हैं ताहरम जुनू ताकि अल्लाह तुझे दे क्या दे इब आगे इब्न है जकी बेटा झकी यानी गुनाहों से सुथरा सुथरा बेटा या तो झकी सुथरा के मान में है ओ नाम खैर वलबरक़ा जकी कमाना या तो सुथरा है यहाँ सुथरा बेटा दे या यहां पर माना यह है कि खैर बरकत पर नशो नुमा खैर बरकत पर नशो नुमा पाने वाला बेटा अल्लाह तुझे अता करे कलत अन्ना यकुन गुलाम वलम सी बशर वलम अको बघिया मरियम बोली मुझे भला कैसे बेटा हो सकता है मुझे कैसे बेटा होगा अन्ना यकून ग़ुलाबन अन्ना उसकी तफसीर कैफ से कर रहे हैं यानी कैसे मुझे कैसे बेटा होगा हाल ये है कि मुझे किसी इंसान ने ना निकाह के ज़रिए से छुआ है वलम अकू ब और न मैं बदकार हूँ मरियम कहना ये चाह रही है कि आप ये कह रहे हो कि बेटा देने के लिए अल्लाह ने भेजा है तुम्हारे रब ने भेजा है मगर मेरा हाल ये है मेरा हाल ये है कि मुझे किसी बशर ने न सही तरीके से छुआ है न सही तरीके से छुआ है न गलत तरीके से छुआ है और आदत यही है कि इंसान को वलद इन दो तरीके आदतन इंसान को वलद इन दो तरीक़ों में से किसी एक तरीके से ही होता लेकिन मेरे पास तो इन दो तरीक़ों में से कोई तरीका नहीं पाया गया तो भला मुझे कैसे वलद वलद मुझे कैसे वलद मुझे कैसे, वलद, मुझे कैसे वल। बेटा होगा ऐसा हजरत मरियम कह रही कौलत अन्ना यकून ग़ुलाम मरियम बोली मुझे किस तरीके से बेटा होगा हाल यह है कि मुझे किसी इंसान ने नहीं छुआ बिन निकाह निकाह के ज़रिए से शोहर ने जोज बिन निकाह शोहर ने निकाह के ज़रिए से क्योंकि मैंने निकाह ही नहीं किए वलम अको बगिया और ना ही मैं बदकार हूँ बगैया ए फाजरा बदकार हूँ फ़ाजरा को बगी कहा जाता है क्यों बगा या बगी की माने तलब युबो तलाश करना तो फ़ाजरा को बगी इसलिए कहते हैं कि तब रजाल वो मर्दों को तलाश करती है यानी यानी शहवत तलाश करती है मिना ये रजुल कान किसी भी मर्द से हो समझ रहे हैं इसी वजह से फ़ाजरा को बगी कहा जाता है वला यकून आदतन ये मरियम के कौल का माना बयान कर रहे हैं आदतन बच्चा नहीं होता है मगर इन दो तरीक़ों में से किसी एक तरीके से और मेरे पास दो तरीक़ों में से कोई तरीक़ा नहीं है तो भला मुझे कैसे बच्चा होगा बात ख़त्म हुई बगी लफ्ज़ बगी कल में पर सरफी गुफ्तू कर रहे हैं वल बगी फ़ौल इंदल मुबर्रद बगी फ़ौल के वज़न पर फ़ौल सिफत का एक सेगा है सिफ़त का एक वजन है सिफत मशबा का एक वजन है सिफत मशबा के ढेर सारे अवज़ान हैं फ़ाल फ़ैिल फ़िलुन ये सिफ़त मशबा के और भी इसके सिवा बहुत सारे अवज़ान हैं तो मुफ़िर कहते हैं बग़ैन फ़ौल के वज़न पर है मुबर्रद के नज़दीक मुबरद मारूफ नेहवी और सरफ़ी सरफ नह के इमाम गुज़रे हैं तो बगी फ़ूल के वज़न पर है मबरत के नज़दीक तो फ़ौल से बगी कैसे हुआ तो कहते हैं बगी असल में बगुयन था बगूय फ़ौल बग़ुय फ़ोल तो कहते हैं बग़ी असल में बगु यून था तो बग़ुन से बग़ैन कैसा हुआ तो सर्फ़ का एक कायदा है वाव या एक साथ जमा हो उनमें से पहला साकिन हो तो वाऊ को या से बदल दिया जाता और या कया में ईदगाम कर दिया जाता और अगर माकबल जमा हो तो उसको कसरत से बदल दिया जाता है या कि मुनासबत में या कि कितब में उसकी मुआफ़त में ऐसा बताना चाह रहे हैं कि बघई फ़ौल के वज़न पर है मुबरत के नजदीक ये असल में बगूजुन था वाओ को या से बदल कर या का या में ईदगाम कर दिया गया और एन को कसरा दे दिया गया इतबा अब सवाल ये कि यह फ़ौल के वज़न पर है इस बात की क्या दलील है तो कहते हैं मुबरत कहते हैं इस बात की दलील ये है कि यह फ़ौल के वज़न पर इस बात की दलील ये है कि इसी वजह से तो तानीक नहीं है वलम अको बगिया बग़ैन है बग़ैता नहीं है क्यों अगर से गए सिफत फ़ौल के वज़न पर हो तो मुअन्नस में भी तानीस की तालाहिक नहीं की जाती जैसा कि बोला जाता है इम्रातुन सबूरुन सबूरुन सबूरा इमरातुन शिक्न ऐसा बोला जाता है इमरातुन सबूरतुन इमरातुन शकुरतुन ऐसा नहीं बोला जाता है तो यह दलील है इस बात की कि यहाँ बगी फ़ौल के वज़न पर है इसी वजह से ताए तानीस लाहिक नहीं हुई जैसे कि इमरातुल सबूरुन, इमरातन शकूर में तानीस की ता लाहिक नहीं हुई है व इन गैर ही और मुबारत के सिवा दिगर सरफ़ियों के नज़दीक तो फ़ाइल फ़ौल के वज़न पर नहीं। बागी फौल के वजन पर नहीं है बल्कि फैल के वज़न पर है किसके वज़न पर है फैल के वजन पर है, है? है। वलम तलहक हलहा अगर फैल के वजन पर है तो फिर से गई सिफत फ़िल के वज़न पर हो और वो मफ़ूल के माना में ना हो मफूल के माना में ना हो तो उसमें मनस में तए तानीस का लाइक करना तो ज़रूरी होता और यहाँ तए तानीस लाइक नहीं है यहाँ ब़ैन है ब़ैतान नहीं है तो उसके जवाब में कहते हैं नवरत के सिवा दिगर सरफ़ियों के यहाँ ये फ़िलु उनके वज़न पर है और हाँ यानिताए तानीस इसमें लाइक नहीं है या तो इसलिए कि मफ़ूला के माने में है इसे क्या कहना चाह रहे हैं कि फ़िल अगर मफूल के माने में हो अगर मफ़ूल के माने में हो तो मुन्नस में तए तानीस लाख नहीं होती है जैसा कि बोला जाता है इमरा क़तीलुन क़िल उनल उनके वज़न पर है और ताए से यहाँ पर लाइक नहीं हुई क्योंकि कतील मकतूला के माने में है कहते हैं या तो इसलिए कहते हैं ता यानी हा हा इसमें लाइक नहीं हुई इसलिए कि मफ़ूला के माने में और अगर फाइला के माने में हो यानी फ़ैल फाएल अगर फ़ाइला के माने में हो तो उस वक्त तो मोनस में ताए तानीस कलाई करना ज़रूरी होता तो उसके जवाब में कह रहे हैं और अगर फाइला के माने में हो तो कभी मफकूला से मुशहत की वजह से इससे मुशात की वजह से तालाहिक नहीं की जा तालाहिक नहीं की जाती है इसी वजह से तालाहिक नहीं की गई इसकी मिसाल अल्लाह ताला का ये कौल है यहां, करीब यहाँ करीब फ़ाइल उनके वज़न पर है और तालाहिक नहीं हुई है ठीक इसी तरीके से बगिया में तालाहिक नहीं हुई है मगर ये फैल के वज़न पर है फौल के वज़न पर नहीं है दिगर सरफ़ी हजरा ऐसा कहते हैं काल कला कजाल के काला रब्बू का हु ये गुफ्तगु आप समात फरमा रहे होंगे ये जो गुफ्तु हो रही है समझ ये जो गुफ्तगु हो रही है ये किन के दरमिया गुफ्तु हो रही है जबरीली अमी और मलाइका के दरमियान गुफ्तु हो रही है तो कला कला की ज़मीर कमरजा जबरील है कला कज़ालिक कला रबाल यहीन जबरील ने कहा ने कहा ऐसा ही है कजालिक इराब इससे पहले बयान हो चुका है कि ज़करिया को भी जबरील ने कहा था काला कजा लिक वहाँ एराब बयान हो चुका है और वहाँ पर मुफसर ख़ुद बयान कर चुके हैं कि कज़ा लह में दो अहतमाल है कज़ा लैमें एक तो ये कि मरफू हो मुबतः महसूब की खबर हो और दूसरे ये कि मनसूब हो अगले काला से तो अगर ये मरफू है तो माना ये कि जबरील ने कहा ऐसा ही है मुफसर इसको वाज करते हैं अल अलमर कमाकुलता मामला वैसा ही है कमाकुल तः अलमर कमाकुल चबरील ने कहा बात वैसी ही है बात वैसी ही है जैसी तुमने कही बात वैसी ही है कैसी है कि किसी मर्द ने तुमको नहीं छुआ ना निकाह के ज़रिए से और न बदकारी के ज़रिए से तो मुफसर कह रहे हैं कज़ालिक खबर है मुतद महसूफ़ की यानी अल अम्र कमा कुलते बात वैसी ही है जैसी तुम बोली ये एक अहतमाल है दूसरा एहतमाल जो इससे ज़्यादा कवि है कि ये मंसूब हो ये मंसूब हो जिब्रील ने कहा तुम्हारे रब ने वैसा ही फरमाया है कैसा फरमाया है कैसा फरमाया है तुम्हारे रब ने कि वो तुम्हें लके कि वो तुम्हें एक बच्चा अता करेगा तो काला कजाले का है रब्बू का तो कजा लेकर नसब की जगह में नसब की जगह में तो काला का मफूल होगा तुम्हारे रब ने वैसा ही कहा है वैसा ही कहा है बगैर बाप के तुमको लड़का दिए जाने का ही तुम्हारे रब ने फरमाया है हाँ और तुमने जो ये कहा कि बगैर बाप के कैसे लड़का होगा बगैर बाप के कैसे लड़का होगा तो हुआ तुम्हारे रब ने यह भी फरमाया हुआ अलिया है ये ये बाप के लड़का देना मेरे लिए एक जरा सी बात है कहते हैं हुआ अल है मेरे लिए ये आसान है यानी ए ताउल वलद बिलाबिन बिला अलिया सहल यानि बगैर बाप के बच्चा देना मेरे लिए एक जरा सी बात है आसान है वो अलहु आयतन आयत और इसलिए ताकि हम इस बच्चे को तमाम इंसानों के लिए एक निशानी बना दें मुफसर इस पर जो गुफ्तु करते हैं वो कर लेंगे सरे दस्त एक बात मेरे जहन में आ रही है इस बच्चे को तमाम लोगों के लिए लिन्नास तमाम लोगों के लिए लोगों के लिए एक निशानी और एक मोजा बना दें कि इस बच्चे की पैदाइश मौजाना तौर पे हुई अब मौजाना तौर पर हुई मुख्तलि त्रुक से हम इसे इस बच्चे को लोगों के लिए एक निशानी बना दें ये बच्चा आम तौर से लोगों के लिए किस तरीके से निशानी है इस तौर पर भी इंसान के, के वजूद में आने की अकलन चार सूरतें है, मुमकिन हैं एक सूरत तो यह है कि इंसान का वजूद हो बगैर किसी इंसान के बगैर मर्द और औरत के एक सूरत यह है कि इंसान का वजूद दोनों के इख्तलात से हो ये तो आदतन है आम तौर पर है ये बताने की जरूरत नहीं दूसरी सूरत एक सूरत यह है कि इंसान का वजूद सिर्फ मर्द से हो एक सूरत यह है कि इंसान का वजूद सिर्फ औरत से हो हजरत ईसा की पैदाइश से पहले इंसान के वजूद में आने की तीन सूरतें पाई जा चुकी थी यानी इंसान का वजूद बगैर किसी मर्द और औरत के उसकी मिसाल आदमी इस्लाम है इंसान का वजूद मर्द औरत दोनों से उसकी मिसाल आम इंसान है इंसान का वजूद सिर्फ़ मर्द से उसकी मिसाल हवा है ये तीन सूरतें हज़रत ईसा की वजूद से पहले मौजूद हो चुकी थी एक चौथी सूरत कि इंसान का वजूद सिर्फ औरत से हो वो ईसा के वजूद से ये चौथी सूरत पूरी हुई इस तौर पर भी ईसा का वजूद तमाम इंसानों के लिए एक निशानी है आया का एक माना ये दूसरा माना था कि हम इसको मूसा के बगैर बाप से पैदा होने को तमाम इंसानों इंसानों के लिए एक निशानी बनाता है इंसानों के लिए एक मोजा बनाते हैं। तो इस आयत में कि ईसा की पैदाइश मोजाना तौर पर है वो इस तरीके से कि बगैर बाप के उनकी पैदाइश हुई और वो इस वजह से भी कि जब उनकी पैदाइश हुई और मरियम ने उस बच्चे को लोगों के सामने पेश किया मुकद्दस घराने की मुकद्दस ख़ातून तो बेतहाशा लोग उनके इर्द गिर्द जमा हुए और तरह तरह के सवाल मरियम से किए मरियम ने लोगों को अपनी जबान से कोई जवाब नहीं दिया उस वक्त हजरत ईसा ने अपनी जबान से जवाब दिया इन्नी अब्दुल्लाह मैं अल्लाह का बंदा हूँ अल्लाह ने मुझे किताब दी अल्लाह ने मुझे नबी बनाया और मैं बाबरकत हूँ हजरत ईसा गोद का बच्चा एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन का वो लोग से कलाम करे और सैकड़ों हजारों लोग उस कलाम को सुने तो ये कलाम करना भी एक दिन ये चालीस जन के बच्चे का कलाम करना भी कलाम करने से भी ये बात मालूम हुई कि उनकी पैदाइश मौजाना तौर पर हुई और कलाम करना भी मौजा मोजाना तो तुम्हारे रब ने एमरियम तुमको एक बेटा देने का फैसला किया है ताकि उस बेटे को इंसानों के लिए एक मौजा बनाते हैं ऐसा जबरीली अमी कह रहे हैं हज़रत मरियम से अब हम इस आयत को देखते हैं वलिनज अलहू आयत और इसलिए और इसलिए ताकि हम उसको इंसानों के लिए एक निशानी एक मोजा बना दें कहते हैं लिनज अलम तालील के लिए है इसका मिल महसूफ़ है अब ये जिसकी तालील जिसकी इल्लत बयान की गई वो महजूफ़ है व लिनज अलहु आयतन नाज़ अल नज़ालिक हमने ये काम इसलिए किया ताकि इसको लोगों के लिए निशानी बना दें मुआज़ा बना दें या तो महजूफ़ है या यूँ कहें कि ये मातूफ़ है तालील मुजमर पर ले नबैया नबी कुदरतना ताकि हम इससे अपनी कुदरत को वाज़े करें कि हम इस बात पर भी कादिर हैं कि बगैर बाप के बगैर बाप के सिर्फ़ औरत से इंसान को वजूद बख्शें ले नबैया नबी कुदरतना ताकि हम इससे अपनी कुदरत को वाज़े करें ज़ाहिर करें और इसको इंसानों के लिए एक निशानी एक मुजज़ा एक बुरहान एक दलील बना दें ऐ बुरहान नला कुदरतना अपने कुदरत की दलील बना देंत मना और अपनी तरफ़ से रहमत बना दें इसे अपनी तरफ़ से रहमत बना दें किसके लिए तो मुफसर कहते हैं आम बी है हर उस आदमी के लिए जो इस पर ईमान लाए वकाना मरम मक़िया जबरील मरियम से कहते हैं ये काम हो कर के रहना है तुमसे एक वलत की पैदाइश ये हो कर के रहना है लफज़ी तर्जुमा काना अमरम मगज़िया ईसा के पैदा होना ईसा का पैदा किया जाना अमरम मगज़िया ये मुकद्दर है इसका फ़ैसला हो चुका है मुक़दरा इसका फ़ैसला हो चुका है और ये लह लोहे महफूज में लिखा हुआ है ये चेंज नहीं होने वाला है तो इसका सलीस तरजुमा ये भी कर सकते हैं वो कान अम्र मगजिया और ये काम होकर रहना है यानी मुकर है मुक़द्दर है लोहे महफूज में लिखा हुआ है फलामत मनत अला कोलही जब तो जब मरियम उसकी बात से मुतमइन हो गई तब नफक है फ़ीजयर इहा तब जबरील ने उनकी कमीज़ के गरीबान में दम किया फवासलती नफ़ा ये दम उनके शिकम तक पहुंचा, फ़हमलत हो तो मरियम को इस बच्चे का हमल रह गया हु महूब वही जो उनको दिया गया मरियम को तो मरियम को इस बच्चे का हमल रह गया वकानत सिन्न सलासा अशरतान उस वक्त मरीम की उम्र जब उनको हमल रहा उस वक्त मरीम की उम्र तेरह साल थी बाज़ फसिर कहते हैं अशर दस साल थी बाज़ बादसिर कहते हैं इशरीन बीस साल थी फ़न तबसत भी मकानन क़िया और वो उस हमल को लिए हुए एक दूर के मकाम पर चली गई ये बात बिल्कुल फितरी है एक पाक दामन खातून एक मुकद्दस घराने की बच्ची एक बाबरकत फैमिली की कुरी लड़की कुछ अब अपनी शिकम में अपने शिकम में हमल का एहसास हो तो उसके लिए ये तस्वुर जानलेवा है कि लोग अब मुझे तरह तरह से मलामत करेंगे तरह तरह की बातें कहेंगे और मेरी वजह से मेरे ख़ानदान पर भी बदनामी आएगी तो एक फितरी बात है कि तरह तरह के ख्याल आएंगे और ख़्वाहिश होगी कि इसका इम ही ना हो किसी को इसलिए भी वो मकदिस के शर की जानिब जहाँ गोशा नशी थी उसको छोड़कर ज़रा दूर जगह बैतुल हम चली गई ताकि लोगों की नज़र में ये हमल ना आए और मुझ पर अलामत, मलामत न हो फत भी मकानन कसिया और वो उस हमल को लिए हुए दूर के मकाम पर चली गई इंतबास पीछे माना बयान कर चुका ए तज़ालत इलाहदा हुई वह वफ़ीबत नेहा भी इस हाल में कि वो महूब उनके बतन में था वलजार वलमजरूर फी मौजील हाल बेही जार मजरूर ये हाल की जगह में इलाहदा हुई इस हाल में इस हाल में कि वो महूब उसके बतन में था वनबन अब्बास रदील्लम कानत मुद्दत हमल सातन वाहिदा कमा हमलत हो न बज़त हो इबन अब्बा रदी अल्लाह से एक रिवायत है कि हमल की मद्दत बस एक साथ थी जूँ ही उसे हमल हुई वैसे ही उनको डिलेवरी हो गई ये एक इबन अब्बास से एक कॉल है वकील से ताशुर एक कॉल ये है कि हमल की मदद छः माह है एक कॉल ये भी है सब आह कि हमल की मद्दत यानी ईसीम उनके शिकम में छः महीना रहे एक कौल ये एक कौलिए कि हमल की मुद्दत सब औसात महीने हैं एक कौल ये कि हमल की मुद्दत आठ महीना है वलम यईश मौलूद उन इल्ला आसमानियासी और आठ महीने में जलने वाला पैदा होने वाला कोई बच्चा बचा नहीं सिवाय ईसा के वकील एक कॉल ये है कि एक साथ में उन हमल ठहरा और एक साथ में ही डिलीवरी हो गई मकानन कसिया कसिया एबईद दूर जगह यानी अपने घर वालों से दूर जगह वराल जबाल पहाड़ के पीछे वजाल कल हसत बिलहमल हरबतिन कौमत वो इसलिए जब मरियम को हमल का एहसास हुआ तो अपनी कौम से भागी मलामत के खौफ से फा अहल फ अजा अहल मखाजो इलाजिज़्ल नखला तो लचकी की तकलीफ़ उसको खजूर के दरख्त के तने के पास ले आई ज बहा इशारा करना चाह रहे हैं कि अजा अ सलासी मजीद है जा अजियओ आना सलासी मजरद और जब इसको सलासी मजीद में ले गए तो लाना जा अबा ले आई उसको क्या अलमखाज जचकी की तकलीफ़ा तो अजा अ ले आना के माने में है एक कॉल ये भी है कि अजा मजबूर करने के माना में है वकील है अलज आ गया है कि अजा अः अलज के माना में है वह व मनकूल मिनजा अजा जो अलज ए के मान में है ये जा मनकूल है जा नकल होकर के आया है मगर ये कि इसका इस्तेमाल नकल के बाद इल्ज़ा के माना में मतगैर हो गया क्या आप नहीं देखते हो कि आप बोलते हो क्या बोलते हो जेतुल मकान है व अजा अनी जैद ऐसा आप बोलते कि मैं इस जगह आया और जैद ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया तो अजा है मजबूर करने के माना में है जिस तरीके से इस जुमले में अज़ा मजबूर करने के माने में है वैसे ही अजा अज़ा है, है। अलज मजबूर करने के माना में है यानी जचकी की तकलीफ़ ने उसको मजबूर किया दरख्त खजूर के तने की तरफ एक तफसीरी यह भी है अलमास वजुलविलाद जचकी की तकलीफ़ इलाज इन नखला नखला खजूर का दरख्त जिज तना असलहा से इशारा करना चाह रहे हैं कि लगत में जिज़ का माना जड़ है तना है बहरहाल दोनों तफसर में मानवीय एतबार से किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है दोनों ही मानवीय एतबार से दुरुस्त है और पूरी गुंजाइश है इसकी जचगी की तकलीफ़ मरियम को दरख्त खजूर के तने के पास ले आई वकानत या ये खजूर का दरख्त ये सूखा हुआ था और ज़माना सख्त ठंडक का था तारीफ़ हा मुशर बेाना कानत नख़लता मारूफा अब इशारा ये करना चाह रहे हैं इलाज नख़ला नखला को मारफा लाया गया ये मारफा है अलीफ़ लाम के ज़रिए ये अलीफ़ लाम के ज़रिए तो ये लाम कैसा है तो दो अहतमाल है बकौल मुफसर के एक तो ये अहद के, के लिए है यानी माहूद खजूर का दरख्त जो मरूफ व मशहूर था जिसको वहाँ के लोग जानते थे तो एक अहतमाल तो ये है दूसरा अहतमाल ये है कि नखला में अलीफलाम जीन्स के लिए हो यानी किसके लिए हो अलीफलाम जिन्स के लिए हो तो माना हुआ जिस अहाज ही शजरा इस शजरा के तने के पास तो गोया कि अल्लाह तबारा ताल ने नखला की उनको रहनुमाई की थी तो क्या कहते हैं वह तारीफ हुआ और नखला की तारीफ लाम के ज़रिए से मुशर बेन्ना कानत ये मुशर है पता देता है इस बात का कि ये नखल मारूफ़ा था तो एक तो ये है कि लाम अहद के लिए है एक अहतमाल ये है कि लाम जिन्स के लिए है यानी जिस अहद है शजरा इस दरख्त के तने के पास का अन्ना अरशदहा गोया कि अल्लाह तबारक ताल ने मरियम की रहनुमाई की इस दरख्त खजूर की तरफ़ लियुत एमहा मनहर रोतब ताकि अल्लाह ताला तरीम को उस दरख्त से उस दरख्त से खिलाए रो ताज़ी पकी हुई खजूर ले अनहहा खुरसतनफसा इसलिए कि ये रोतब जच्चा का खाना है ए तम फ़ुमकालत तो या लनी मित्त तो क़ब लहा फिर मरीम उस गम का इजहार करते हुए उस तकलीफ़ का इज़हार करते हुए जो तकलीफ़ उन्हें पहुँची थी बोली एक काश मैं इससे पहले काश मैं इससे पहले मर जाती वकुन तस या मनसिया और मेरा नाम व निशान नहीं रहता कि ये बदनामी मुझे झेलनी पड़ती ये बदनामी मुझे झेलनी पड़ती कालत जज अन गम का इजहार करते हुए मरियम बोली उस गम का इजहार करते हुए जो गम उनको को हुआ था एक आश मैं इससे पहले यानी हाजा इसमें इशारा मुशर अलियोम है मुफसर इशारा करना चाहते हैं आज से पहले मैं मर चुकी होती मितो तो मदनी अख्तलाफ करत की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि नाफ़ी मद, नाफ़ मदनी और तीनों कोफ़ी कुर्रा की किरत में मितो तो है अलबत् कोफ़ी कुर्रा में एक इमाम आसिम हैं इमाम आसिम के दिलमीज़ और शागिर्द जो हफ्स हैं जिनकी रिवायत को हम लोग अक्स करते हैं उनकी किरात में भी उनकी में मित्तो ही है अलबत्त इमाम सिम के दूसरे शागिरद जो अबू बकर हैं उनकी क्रत में मितो तो नहीं हैं तो क्रत के अख्तलाफ़ को बताना चाह रहे हैं कि मित तो है नाफ़ मदनी की और तमाम कोफ़ी कुर्रा की सिवाए अबू बकर के वगैरह हूँ और इनके सिवा कोफ़ी कुर्रा और नाफ़ मदनी कारी नाफ़े मदनी के सिवा दिगर कुर्रा की किरत ज़म के साथ है यानी मुत्तो ये किस वजह से ज़म्मे और कसरे का क्यों हुआ तो ये इख्लाफ इसलिए हुआ कि ये माता यमो तो नसर अंसरों से भी आता है और माता यमातों से भी आता है अगर नसर अंसरों से है तो मुत् तो होगा और अगर समय यासमों से है तो मत्ता होगा तो ये इख्लाफ इस वजह से है कि ये दोनों बाप से आता है ये दोनों बाप से आता है माता या तो भी है और माता या तो भी है वकुन तो नसीम मनसिया और मेरा नाम व नशान न रहता नसीम मनसिया शे अम का नाम व निशान नहीं रहता लिफिन नून हमज़ा नून के फतहा के साथ यानी नसीन ये हमज़ा की किरत है और हफ्स की किरत है वबील कसर नसी और कसर के साथ इनके सिवा दिगर क़ुर्रा की किरत है दोनों का माना एक है वह शे उल हक हो आई ये वो चीज़ है जिसका हक ये है कि फेंक दी जाए और भुला दी जाए छोड़ दी जाए उसके हकीर होने की वजह से काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो नशान बाकी न रहता फनादाहा जब मरियम इजहार गम के तौर पर ये कलाम अपनी ज़बान से निकाली फनादाहा मिन तहतहानी तह तो उसके पायंती मिनतःहा फ़रिश्ते ने पायंती से पुकार कर उसको कहा फनादा मन तहतहा फ़रिश्ते ने यानी जबरील ने पायंती की तरफ से पुकार कर उसको कहा कि गम न करो मन अब इख्तलाफिकत की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि एक किरत तो यही है मिनतः एक दूसरी किरत है मन तहतहा मन ए अलजी तहता वो जो उसके पायंती में था वो जो उसके पायंती में था फमन फा फाइल अगर मन के साथ है मिन की जगह तो मन यहाँ पर फाइल है पुकार कर उसको कहा कहने वाला कौन है मन वो जो उसके पायंती में था वो जो उससे नीचे था मरियम से नीचे था या नखला से नीचे था इन तमाम बातों को मुफसर वाज करेंगे तो कहते हैं मन यानी अलजी अगर मन है तो इसमें मौसू है अलजी तहतहा फमन फ़ाइल अगर मन है तो ये फ़ाइल है और वो कौन है जबरील अलैहिस्सलाम है लेन काना बे मकान मुनख़फ़िज़ अनहा। इसलिए कि जबरल उससे नीचे वाली जगह में था तो अगर मन की गिरत है तो मन से मुराद ज़िब्रैल है जब्रैल ने पुकार कर उसको कहा जो उससे नीचे था और ईसा एक तफसीर ये भी है कि मन से मुराद ईसा सलाम है इसलिए कि ईसा ने उनको मुखातब किया उनसे ख़िताब किया उनके गरीबान के नीचे से मीन तहतहा ये नाफ़ मदनी की करत है और तमाम कोफ़ी कुर्रा की किरत है सिवाय अबू बकर के वलफ़ाइल मुजमा और फ़ाइल यहाँ ज़मीर है क्या कहना चाह रहे हैं अगर ये मिन तहतहा है तो नादा का फाइल कौन है ज़मीर है जो उसमें पोशीदा है पुकारा उसको कौन पुकारा उसको वही जिससे गुफ्तु हो रही है जिसकी गुफ्तु चल रही है समझ रहे हैं तो वाज़े यही है कि पुकार कर उसको कहा फ़रिश्ते ने जबरील ने मगर एक अहतमाल ये भी है कि ये ज़मीर ईसी की तरफ पलटे कहते हैं और फ़ाइल मुज़मर है वो ईसा अली इस्लाम है ईसा आलाम है या जबरील हैं यानी जबरील हैं तो जबरील ने पुकार कर उसको कहासा आलाम है तो ईसा ने उस पुकार मुखातब करके उससे उससे कहातहा व फनादा हा मिन तहतहा तहतहा में जो हा है हा की ज़मीर है ये नखला के लिए है यानी इस ज़मीर का मरजा नखला है तो माना ये हुआ कि खजूर के, के दरख्त के नीचे से कहते हैं हा, हा में नखला के लिए है वाली शद्दत मालकियत वो ज़बरदस्त तकलीफ़ जो मरियम को पहुँची थी उनको तसली दी गई इस कॉल से अल्लाह तहज़नी अल्लाह तहज़नी गम ना खाओ गम ना खाओ तन्हाई की वजह से खाना पीने के ना होने की वजह से और लोगों की बात की वजह से अन ए अन ए के माने में अन कहाँ है अल्ला असल में था अल्लाह तो कहना चाह रहे हैं अन यहाँ पर मुफसरा है अन ए के माने में है गम ना खाओ कद रब्बो के तहत के सरिया तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक छोटी नदी बना दिया है जारी कर दिया है ताहत के ए बेकुर्बे के तहत से मुराद कुर्ब यानी तुम्हारे करीब या तहत नीचे ही के माने में है तहत अमर के तहत अमरे के तुम्हारे हुक्म के तहत तुम्हारे हुक्म के तहत एक छोटी नदी को कर दिया है इन अमारत इन अमारत आई के अगर ए मरियम तुम उसे बहने का जारी होने का हुक्म दोगी तो वो वो नदी जारी होगी और अगर तुम उसे ठहरने का हुक्म दोगी तो वो ठहर जाएगी सरिया नहरन सगैरा जमहूर जमहूर के नज़दीक सरिया का माना है छोटी नदी तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे तुम्हारे करीब तुम्हारे हुक्म के मातहत एक छोटी नदी को कर दिया है तो लगत में इसका माना नहर सगैर है और जमहूर के नज़दीक भी इसका माना सरी का माना नहर सगैीर है मगर कुछ लोगों ने इतलाफ किया है इसलिए एक रिवायत नबी करीम वसल्लम से उसको मुफसर पेश करते हैं वसल्लम सल्हल सरी नबी करीम अलैहि वसल्लम से सरी के बारे में पूछा गया कि यहाँ सरी का माना क्या है फ़काल तो आप सल्ह् व् ने फ़रमाया वो छोटी नहर है तो तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे सरी कर दिया है छोटी नहर को कर दिया है हसन से एक रिवायत है कि सरी से मुराद यहाँ पर सैद करीम हैं तुम्हारे नीचे तुम्हारे रब ने सरी कर दिया सैद करीम को कर दिया यानी ईसा को कर दिया है तो हसन से एक रिवायत है मगर ये रिवायत भी है रबिया अनना ख़ालिद अबन सफ़वान रिवायत है कि खालिद बिन सफ़वान ने उनसे कहा कि अरब छोटी नहर को सरी बोलते हैं अरब यानी अहली अरब छोटी नहर छोटी नदी को सरी बोलते हैं फ़काल अल हसन तो इस पर हसन ने कहा इस पर हसन ने जवाब दिया सदकता है आपने दुरुस्त फरमाया वराज़ा अला कौल ही और हसन सफवान के कौल की तरफ रुजू कर लिया तो बात ख़त्म हो गई कि सरी यहाँ छोटी नदी ही के माने में है वकाल इब्न अब्बास रदील्हम जराब ईसी और जबरील्लम बेअिल अरब वजहारत एनुमाइन अजबिन फ़ज़रन नहरुल याबिस फ़खज़रतिन नखल व आखमरत अब्बास इबिन अब्बासन ने फरमाया कि ईसा आलाम ने या सलाम ने अपनी एड़ी ज़मीन पर पटकी अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी तो इसकी वजह से एक शीरी पानी का चश्मा ज़ाहिर हुआ फिर वो सूखी हुई नदी में जारी हुआ फ़्दरति नखला तो इससे खजूर का दरख्त सरसब्ज हो गया व और फल लाया और वो फल पुख्ता वो रसीदा हो गए फ़ीर रहा हुज के बिजीज़ इन नखला तो तुम्हरी को कहा गया खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, हुज के बिजीज़ इन नखला खजूर के दरख्त पकड़कर अपनी तरफ़ हिला।, पकड़ तरफ हिला हर रे से मुफसर कहना चाह रहे हैं कि ये हिलाने के माने में है हिला ए मरियम एले के एला नफ के अपनी तरफ बजीज़ इन नखला खजूर के दरख्त के तने जड़ खजूर की जड़ पकड़ कर अपनी तरफ हिला कला अबू कला अबू अली अलबाज़ायदा अबू अली इस्माइल बिन शुएब नेहावंदी इन्होंने कहा बेजिज़ इन नखला में जो बा है जायदा है यानी हुज़ान नखला खजूर की जड़ पकड़ कर हिला एलई के अपनी तरफ तसाकत तो अलई के रोतबन जनिया तुषपर ताज़ी पकी खजूर हैं गिरेंगी तो साकित बेदगा ताइल उला फिस्तानिया। तए उ को सानिया में ईदगाम करके इख्लाफ कर्त की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि तय उला को सानिया में मुदगम कर दिया गया है ये क्रत मक्की इब्ने कसीर मक्की की है व मदनी नाफ़ मदनी की है व शामी और इब्ने आमिर शामी की है व अबू अम्र और अबू अम्र बिसरी की है व अली और अली कसाई की है व अबू बकर और इमाम हफ्स के शागिर्द अबू बकर की है तय उला के इदगाम के साथ वल असल ततसाकतो और ये असल में क्या है ततसाकतो है दोनों ता के इजहार के साथ ये एक सरफ़ी कायदा की तरफ़ इशारा करना चाह रहे हैं कि बाब तफाउल में दो ता जमा हो तो एकता का हसफ़ भी जायज़ होता है और अगर फाकल में फुला फुला हर्फ हो तो ऐसी सूरत में जायज़ है कि के, के ता को जो फ से मुतसिल है उसको फा कलमा से बदल कर फाकफा फा में ईदगाह कर दिया जाए अगर ऐसा होगा तो तस्ाकत कहते हैं वाल असल त तसाकत ये असल में त तसाकत हो दोनों ताकि इजहार के साथ और तसाकत ताक फतः के साथ और काफ़ की फ़त के साथ वह तरह ताइसानिया और तयसानिया के हसफ़ के साथ और सीन की तकफीफ़ के साथ यानि तस्ाक़त ये हमजा की किरत है वह यत बेफीलिया या के फ़ा के साथ वलकाफ़ और काफ़ की फ़तः के साथ वह तशद सी सीन और शीन की तजदीद के साथ यानी या साक़त ये याकूब की किरत है और सहल की किरत है और हमाद की किरत है और नसीर की किरत है वह तसाकत जो हमने पढ़ा हुई के बेजिज़िन नखला तसाक़त अले के ये इमामी हफ् की क्रत है जिसे हम लेते हैं बब मुफालत से रोतबन जनिया रोतबन को नसब क्यों है तमीज़ होने के बिना पर या मफूल बेही होने के बिना पर अख्तलाफ करत की वजह से रोतब पुख्ता ताज़ा खजूर जनिया ताज़ा तो तर्जमा ये हुआ खजूर की जड़ पकड़ कर अपनी तरफ हिला तुझ पर ताज़ी पकी खजूर गिरेंगी वकालू अतिपा ने कहा है अत्मर उलिना आदत आदत मंजा लिखलव लोगों ने कहा कि नफास वालियों के लिए खजूर उस वक्त का मामूल था कि निफास वालियाँ आदतन उस टाइम में खजूर खाया करती थी इसीलिए लिए मरियम के लिए खजूर के दरख्त का इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल रब्ज़त ने फरमाया वकील एक कौल ये भी है मालिन नफँसा खैरुम में न रोता के लिए पुख्ता ताज़ा खजूर से बेहतर कोई खाना नहीं है वलल मरीज़ मिनल असल और मरीज़ के लिए शहद से बेहतर कोई दवा नहीं है फ़कुली वशरबी शरबी एना कर्री तो ए मरियम इस ताज़ा खजूर से खाओ और इस सरी नहर से पानी पियो व एना और अपनी आँख ठंडी करो किसे बिल बिलवादी पसंदीदा बच्चे से पसंदीदा बेटे से व ऐना आना को न सब क्यों है तो तमीज़ होने के बिना पर यानी तई नफसन भी नफसन बेसा अपनी तबीयत को अपने दिल को खुश करो ईसा से वरफुजी के माजन के और निकाल फे को अपने दिल से उन बातों को जो तुम्हें गमगी कर दी हैं फ इमा तरइन मिनल्बर अहदा फकूली इन्नी नज़र तुलर सोमा फिर अगर एमरियम तुझे कोई इंसान नज़र आए और तुमसे बात करना चाहे तो उससे कह दो कि मैंने रहमान के लिए रोज़ा कह दो कि मैं रहमान के लिए रोज़ा मानी हूँ फ इमा असल हूँ इन माँ माँ सबक में भी ये लफ्ज़ गुज़र चुका है इम्मा इसकी असल है इन माँ फज़ुम्मत शर्तिया या माँ तो इन शर्तियाँ को माँ के साथ ज़म कर करके उसमें इदगाम कर दिया गया है यानी ये दो लफ्ज़ है इन माँ माँ सबक इसमें गुफ्तु कर चुके हैं इमां बशर अहदा अगर तुम्हें बशर बशर में से कोई नज़र आए और वो तुमसे बात करना चाहे तो कह दो कि मैं रहमान के लिए रोज़ा मानी हूँ यानी फ़ैन रदमिया अगर तुमको कोई आदमी नज़र आए जो तुमसे तुम्हारे हाल को पूछे तो उससे कह दो क्या कह दो इन्नी नज़र तो लहमान समता मैंने रहमान के लिए चुप रहने चुप रहने और बात न करने बात न करने की नज़र मानी है ये कौन सी बात है ऐसा तो हम देखते नहीं हैं तो उसके जवाब में कहते हैं कानू अनिल कलाम कमा यसुमानीअुलशर मनी इसराइल में लोग कलाम का भी रोज़ा रखते थे जैसे कि खाने और पीने का रोज़ा जैसे कि खाने और पीने का रोज़ा रखते थे वकन रसोल सल्सोम सामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तो रखा करते थे मगर अल्लाह के रसूल ने हमें चुप के रोज़े से मना फरमाया है लिहाजा ये चुप का रोज़ा हमारी शरीयत में मनसूख हो गया व इनमा उमरत अ तकूत हजरत मरियम को सुकूत की नज़र मानने का हुक्म इसलिए दिया गया ताके कलाम हजरत ईसा फरमाए और उनका कलाम हजरत कविया हो जिससे तहमत जायल हो जाए और इसलिए भी ताकि नादानों से वो उलझे नहीं बहस ना करें इसलिए ये हुक्म उनको दिया गया अल्ला तुजा दिल्षा इसलिए ताकि नादानों से बहस न करें वफ़ी है दलील एक मसले को बयान करते हैं इसमें इस बात की दलील है कि नादानों के बात के जवाब में चुप रहना समझदार के लिए ज़रूरी है और कहा गया है मा कोद समी सफी हूं बेमिसल एराज भला उतल के ऐनान हो बेमि एराज के बेवकूफ को इराज के मानन और किसी चीज से नहीं रोका जा सकता नहीं रोका गया और नहीं ही उसकी लगाम को ढील छोड़ा गया इराज के मानंद से क्या कह रहे हैं पहले तो इन्होंने कहा फी है दलील अलूत यहाँ दलील है कि सफ़ी के मुकाबले में चुप रहना ज़रूरी है चुप का क्या फ़ायदा तो कहते हैं सफ़ी को अगर रोकना है तो उसके लिए एराज चुप रहने से बेहतर कोई इलाज नहीं है और अगर उसे आज़ाद छोड़ना है तो बेसियार गोई से बेहतर कोई चीज़ नहीं है अगर उसे बक बक करने के लिए छोड़ना है तो उसके साथ बक बख बक करते रहो समझ रहे हैं तो इससे बेहतर उसके लिए कोई चीज़ नहीं, नहीं है और अगर उसको रोकना है तो अपने आप को रोक लो इससे बेहतर उसका कोई इलाज नहीं है व इनमां अखबरत हूँ बेहा नज़र तिल इशारा अपसवाले कि इन्नी नज़र तुलमानी सोमा मैं रहमान के लिए रोज़े की नज़रमानी हूँ उन्होंने लोगों को बताया कि मैं कलाम का रोज़ा रखी हूँ तो ये बताने के लिए भी तो उनको कलाम करना हुआ तो फिर ये रोज़ा कहाँ हुआ जब उन्हों ऐसा बोल रहे हैं इन्नी नज़र तो ले लहमान सोमा ये कलाम है तो जब कलाम किया तो चुप्पी तो ख़त्म हो गई तो कलाम का रोज़ा नहीं हुआ तो उसका जवाब दे रहे हैं लोगों को उन्होंने बताया क्या कि वो सौम का नज़रमानी है कैसे बताए कलाम के ज़रिए से नहीं इशारा के ज़रिए से तो एतराज़ नहीं हो सकता कि चुप्पी की रोज़ा नहीं हुई जब ये वो बोल दी तो रोज़ा टूट गया ये एतराज़ नहीं हो सकता हाँ और इशारे को भी कई बार कलाम और कॉल बोल दिया जाता जैसे कि शायर की इस कॉल में इशारे को कलाम बोला गया है दूसरा कॉल इस सिलसिले में ये है कि खामोशी का वजूब इस कलाम के बाद है इस कलाम के बाद है लिहाजा रोज़ा उनका ख़त्म नहीं हुआ और एक तीसरा जवाब अवसू वेगा हाजल कद्र बिलु या उनके लिए इतनी बोलने की इतनी मकदार की गुंजाइश रखी गई इतने बोलने की उनके लिए गुंजाइश रखी गई इसलिए यह नजर पूरी हुई फल फलन उकलमल्यों इंसिया तो आज मैं हरगिज किसी आदमी से बात नहीं करूंगी फात बिही कौमहा तहमिल कालो या मरियम लकद चे तिशन फरिया फिर वो उस बच्चे को लेकर उस बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आई बेही बीसा बे ईसा को लेकर आई कौम हा, अपनी कौम के पास बाद तहरत मिन नफा अपने निफ़ास से पाक होने के बाद तहमल गोद में उठाए हुए हाल मन हा उससे हाल है यानी अकबलत नहबहम अपने कौम की तरफ आई हा मिलता ई या ईया हो उस बच्चे को अपने गोद में लिए हुए फलमा राह हो माँ हा तो जब लोगों ने उसके साथ उस बच्चे को देखा कालू या मरियम लकदे तिशन अनफरिया इस पर लोग बोले ए मरियम तुम तो बहुत ही अजीब चीज लेकर आई हो फरिया ए बदिया अजीबा अजीब अनोखी चीज़ लाई हो कहते वल फरियो अलकत फरिया फरी से बना है और फरी के माना लगत में चीरना फाड़ना है काटना है तो का हो यक आदा गोया के ये कात आदत आदत के खिलाफ है आदत के ख़िलाफ़ यानी इसी से इसका माना हुआ अजीब तो लोगों ने कहा ए मियम लकत जे ते शे फ़री यकीन ए मरियम तुम अजीब चीज़ पेश की हो लाई हो या उफ तारून माकान अबू के माकान अबू किम रो इन व माकान उमो के बगैया लोगों ने कहा है मरियम तुम बहुत अजीब चीज लाई हो ए हारून की बहन तुम्हारे अबू बुरे इंसान न थे और न ही तुम्हारी माँ बुरी औरत थी फिर एक बार मैं इसका तर्जुमा करूँगा तो लोगों ने कहा या उता हारून ए हारून की बहन अब मुफसर बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हारून है इस हारून से कौन हारून मुराद है या वो जो हज़रत मूस इस्लाम के भाई हैं और वो भी अल्लाह के नबी हैं वो मुराद हैं या हारून से मुराद ख़ुद हजरत मरीम के अपने हकीकी भाई मुराद हैं अपने भाई मुराद हैं या हारून से कोई और मुराद हैं अगर हारून से मुराद हज़रत मूसा के भाई हैं तो मरीम और उस हारून के दरमियान तो हज़ार साल का फासला है इस फ़ासला के बावजूद उनको हारून कैसे कहा जा सकता है तो बहरहाल हारून से यहाँ क्या मुराद है तो इसमें मुफसरन के मुख्तलिफ अकवाल हैं आप समात फरमाए ए हारून की बहन व कान अखाहा मिन अबी हा ये हारून उनके भाई थे मरीम के मरीम के भाई थे उनके बाप की तरफ से एक तफसीर तो ये कि हारून मरियम के भाई थे वो मिन अफजल बनी इसराइल और बनी इसराइल के निहायत बुजुर्ग शख्स थे एक तो ये मिन की जगह अव हो तो बेहतर है अव या ये कि ये हारून नहायत बुज़ुर्ग शख़्स थे बनी इसराइल के जिनका तकवा जिनकी परहेजगारी से तश्मी देने के लिए उन लोगों ने मरियम को हारून की बहन कहा ये ये कि ये हारून अखो मूसा मूसा के भाई हैं मूा इस्लाम के भाई हैं तो अब इस पर सवाल ये है कि अगर मूसा इस्लाम के भाई हैं तो मरीम और इस हारून में एक लंबा ज़माना है तो उसको कहते हैं वकानत बिन ही। मरीम उन्हीं के नस्ल से थी इन दोनों के दरमियान हज़ार साल का फ़ासला है मगर उसके बावजूद इस फ़ासले के बावजूद उनको उख्ते हारून कहा गया या उखता हारून कहा गया हारून की बहन कहा गया तो ये अरब के कायदे के मुताबिक है कुरान अरबी ज़बान में है अरब की उर्फ के मुताबिक है कि अरब के उर्फ में बोला जाता है मसलन या हमदान ए हमदानी तो ये मतलब नहीं है कि वो हमदान का अपना भाई है तो अरब के उर्फ के मुताबिक हाजा ये जिस तरीके से कि अरब में बोला जाता या आखा हमदान जैसा कि बोला जाता या वाहिदम बिन उसी तरीके से उसी तरीके से कहा गया या उख्ता हारून ए हारून के ख़ानदान की बच्ची चौथी तफसीर इसकी ये कि यहाँ हारून या तो बनी इसराइल में कोई अच्छा आदमी था उसकी वजह से उक्त हारून कहा गया या ये कि बुरा आदमी था और उसकी बुराई मशहूर मारूफ थी तो उसका नाम लेकर करके मरियम को बुरा भला कहा गया और रजोलम साल या ये कि ये हारून कोई नेक आदमी है अवाल या उसके ज़माने का बुरा आदमी है शब बहू हा तो लोगों ने मरियम को उस हारून से तशबीह दी अच्छाई में या ये कि या ये कि उनको बुरा कहने में माकान अबू कि मसौन ए हारून की बहन तुम्हारे अबू तुम्हारे अब्बू जिनका नाम इमरान है कहते मफसिर बताते इमरान कि मरियम के वालिद का नाम इमरान है तुम्हारे अब्बू इमरान इम्र असौन बुरे आदमी नहीं थे यानी जानी नहीं थे व माकानत उम्मो के और तुम्हारी वालदा और न ही तुम्हारी वालदा उनका नाम हन्ना था बगैया इससे पहले भी ये लफ्ज़ गुज़र चुका तुम्हारी वालदा जानिया नहीं थी फ अशारत एल हैलू कैफन कलन का नो तो जब लोगों ने मरियम को इतना कुछ कहा तो मरियम अपनी जबान नहीं खोली उस बच्चे की तरफ इशारा करती करतीयसा ईसा की तरफ इशारा करती कि ये ईसा ही ये बच्चा ही लोगों को जवाब देगा अब एक दिन या चालीस दिन का बच्चा बोलता तो है नहीं फिर उन्होंने कैसे इशारा किया तो कहते वजा का ईसा आलाम लहा। ये इशारा मरियम ने इसलिए किया कि ईसीम ने उनसे कहा था जब खजूर के दरख्त खजूर के तने के पास थी वो या तो उन्होंने कहा था या जबरील ने कहा था क्या कहा था अल्लाह तहजनी तो इशारा मरियम ने ईसा की तरफ किया कि वही लोगों को जवाब देंगे और वो इसलिए कि ईसा ने उनसे मरियम को इत्मीनान दिलाया था कि आप गम ना खाओ जवाब मेरे हवाले करते हैं वह बिल जवाब अली है और जवाब आप मेरे हवाले करते हैं एक दूसरा कॉल कि ज़िब्रील ने ज़िब्रील ने मरियम को उसका हुक्म दिया था कि जवाब देने की जब नौबत आएगी तो आप जवाब मत देना जवाब को ईसा के हवाले कर देना एक तफसीर यह है कि जबरील ने हुक्म दिया उसको उसका वलम्मा अशारत अलह और जब मरियम इशारा किए उस बच्चे की तरफ़ कि यही बच्चा जवाब देगा कबू बताज जबू तो लोग बरहम हुए गुस्सा हुए और हैरत भी किए और ताजब करते हुए लोगों ने कहा कलू कई फनुकल्लमो मन का न सबिया लोगों ने कहा हम उससे क्या बात करें जो गहवारे में पढ़ा हुआ एक बच्चा है मन का नफिल महद सबिया सबिया को नसब इसलिए है कि हाल है तो लोगों ने कहा कि हम उससे क्या बात करें जो गहवारे में पढ़ा हुआ एक बच्चा है कला इन्नी अब्दुल्ला किताब वज़ा अलनी नबिया बच्चा बोल उठा यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ आतानिल किताब अल्लाह ने मुझे किताब अता किया है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है वजालनी मुबारक़ा आन मा तो और अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ भी मैं रहूँ वह अवसानी व वक़ा और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है नमाज़ और ज़ात की पाबंदी का मदम तोहैया ज़िंदगी भर जब तक मैं ज़िंदा रहूँ व वा बरन वालदती और अपनी वालदा का हक अदा करने वाला अल्लाह ने मुझे बनाया है वलम यज अ जब्बारन शकिया और अल्लाह ने मुझे जब्बार व शकी नहीं बनाया है मतकब्बर और बदबकत नहीं बनाया है कौल इन्नी अब्दुल्लाह बच्चा बोल उठा यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ अल्लाह का बेटा हूँ ऐसा उन्होंने नहीं कहा अल्लाह का बंदा हूँ लम्मा असकत बे अमर الله لها अन لسان लसान मुफसर कहते हैं जब में इलाही मियम ने अपनी बोलने वाली ज़बान को रोका तो मरियम के लिए अल्लाह ने साकित ज़बान में गोया ही अता कि यहाँ तक कि उस साकित ज़बान ने अपनी अबूदीत का एतराफ़ किया इस बात का एतराफ़ किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ जिस वक्त उन्होंने एतराफ़ किया और अपनी ज़बान से लोगों के सामने कहा इन्नी अब्दुल्ला उस वक्त वो उनकी उम्र क्या थी वो इब्न अरबी अल उस वक्त वो चालीस दिन के थे और इब्न यौम एक तफ़ीर ये है या एक दिन के थे हो रन्नाशार बबावत सबावत ही वक़ालब सातिन रफ़ी अन्य अब्दुल्ला वफ़ी रात कोली नसारा रिवायत में आता है कि उन्होंने अपने सब्बाबा से इशारा किया और बुलंद आवाज में कहा सब्बाबा से इशारा करके बुलंद आवाज़ में कहा क्या कहा इन्नी अब्दुल्ला वफ़ी रद ना ईसा के इस कलाम में इन्ब्लाह नसारा के कौल का रद है जो ये कहते हैं कि ईसा इबनुल्लाह ओसा लोसाला आतानील किताब अल्लाह ने मुझे किताब अता किताब से यहाँ पर मुराद इंजील है इंजील अता की वजनी नबिया और मुझे नबी बनाया रोया अनिल हसन अनह कान फिल्माह नबिया व कलाम हो मोजसा हसन से रिवायत है कि वो गहवारे में ही नबी थे और उनका कलाम करना ईसा का कलाम करना उनका मोज था वकील माना हो अन्जाली कसबा का फी कही कि अल्लाह ने मुझे किताब दी और नबी बनाया इसका माना यह है कि अल्लाह के फैसले में ये गुजर चुका है फ़ैसला हो चुका है मुझे किताब दिए जाने और नबी बनाए जाने का और जो लल आती लामोहला कहना वो चिता सवाल का, का जवाब दे रहे हैं कि अभी तो किताब मिली नहीं थी अभी तो नबुवत मिली नहीं थी किताब मिलने से पहले ये कहना कैसे दुरुस्त होगा कि अल्लाह ने मुझे किताब अता की अल्लाह ने मुझे नबी बनाया तो उसका जवाब दे रहे हैं कि यकीनी तौर पर मिलने वाली चीज़ अल अल-आती अल्ला यकीनी तौर पर मिलने वाली चीज़ कौन सी चीज़ यकीनी तौर पर मिलने वाली थी किताब यकीनी तौर पर ईसा को मिलने वाली थी नबोत यकीनी तौर पर ईसा को मिलने वाली थी तो यकीनी तौर पर मिलने वाली चीज़ को कह दिया कि गोया कि मिल गई तो अल्लाह ने मुझे किताब दिया यानी किताब मिलने वाली है तो गोया के मिल गई वजालनी मुबारका और अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया आ नमा कुन तो जहाँ कहीं मैं रहूँ बाबरकत यानी नफ़ा पहुँचाने वाला है सुकुन तो जहाँ मैं रहूँ या तो ये माना है या ये माना है कि खैर का माल्म बनाया मुबारक सी ये मुराद है वसानी बसलात वज़क़ा व अमारानी औसा हमारा के माने में है इशारा करना चाह रहे हैं अल्लाह है ने मुझे हुक्म दिया व वज़ा नमाज़ की पाबंदी का और ज़क़़त की ज़क़़त का इन मलक तो माला अगर मैं माल का मालिक बनूँ ज़क़ा एक दूसरी तफसीर ये कि ज़क़़़़़त से मुराद यहाँ पर सद का फितर है एक तीसरी तफसीर ये कि अल्लाह ने मुझे नमाज़ का हुक्म दिया और ज़क़़़़़त का हुक्म दिया यानी बदन को पाक और साफ करने का हुक्म दिया। वह यह दियातव और एहतमाल है कि मुराद ये हो कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुमको नमाज वज़त का हुक्म दूँ मालुम तो भैया जब तक मैं ज़िंदा रहूँ नसब है ज़र्फ़ के बिना पर यानी मुद्द हयाती ज़िंदगी भर तो वजा अल मुबारक ए नम तो मुझे बाबरकत मनाया जहाँ भी मैं रहूँ और मुझे नमाज़ और ज़क़़त की पाबंदी का हुक्म दिया वह बर्रन रंग थी और अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया अरफन अला मुबारक ये मातूफ़ है बर्रन से पहले वाव है तो कहते हैं बर्रन ये मातूफ़ है मुबारकन मुबारकन पे यानी बारन बहा वालती है बारन बहा उनका हक अदा करने वाला बनाया कि मैं उनकी इज़्ज़त ताजीम करूँ वलम यज अली जब बारा शकिया और अल्लाह ने मुझे अल्लाह ने मुझे जब्बार यानि मुतकबर घमंडी घमंड करने वाला तकबर करने वाला और आग बदब्त नहीं बनाया वलम वलित व्योम अमूत व योम उबास सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ यौम तो सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि योम अमूत और जबकि मैं मरूँ व यौम उब असुहैया और जबकि ज़िंदा करके उठाया जाऊँ यौम ये रफ़ है और आमिल इसमें खबर है वह वाला व योम अमूत व्योम उबासनी यानी ज़ालिक्लामुआजा अला यह फ़िलम वही सलामती जो तीनों मवातिन में यहिया के लिए वही सलामती मेरी तरफ भी मेरी तरफ भी मुतवजह है इनका नाहरफो तारीफ़ लिलाध अस्सलाम में जो लाम तारीफ़ है अगर अहद के लिए है तो ये माना होगा व इनका नलील जिन्स और लाम अगर जिन्स के लिए है तो माना ये कि जिनसे सलामती मुझ पर है इन तीनों मौतिन में वफ़ी है तारीस बिल्ली लाना अला आदा मरियम व इबनहा और इसमें लानत के साथ लानत की तारीज़ है तारीज़ दूसरे पर ढाल करके बात कहना लानत के साथ तारीज़ है मरियम और उसके बेटे के दुश्मनों पर इसलिए कि जब ये फरमाया कि जिनसे सलामती मुझ पर है तो तारीज़ की उन्होंने कि उसकी ज़िद यानी लानत तुम पर है इसलिए कि ये मकाम मकामी मुकाबला है فكان من لمثل هذا التاريخ، تو هي علامه اس ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر ये है ईसा बिन मरियम कौल अहक ये है उसके बारे में सच्ची बात अज़ीफी है यम तरून जिसमें लोग शक कर रहे हैं कहते हैं जाल का है ईसा उसकी खबर है इब्नो मरियम उसकी सिफत है यानी जालिक का मब्त है ईसा मौसूफ है इब्न मरियम मजा मजाफले से मिल कर के सिफत है मौसू सिफत से मिल के ज़ालिका की खबर है एक तरकीब दूसरी तरकीब भी हो सकती है ज़ालिका मुबदा ईसा उसकी खबरें अवल इबन मरियम उसकी खबरें दो एक मबदा की कई कई खबर हो सकती दो खबर यहीं हो गई और अगर कौल अलहक पढ़ा जाए तो ये तीसरी खबर हो जाएगी ये है ईसा बिन मरियम तो ज़ालि क्या मुक्त है और ईसा उसकी खबर है इबनो मरियम उसकी सिफत है एक तरकीब हुई दूसरी या ये कि इब्नो मरियम दूसरी खबर है ये है जालि का लजी कॉल है इन्नी कजा व कजा ईसा बिन मरियम ये वो है जिसने कहा कि मैं ऐसा ऐसा हूँ यानी इन्नी अब्दुल्ला अतानी किताब वज नबी अलनी मुबारक आगे व बर्रम ब वालतीक वो जिसने कहा कि मैं ऐसा ऐसा हूँ ईसा बिन मरियम झारिकल कला क़़ा व कज़ा वो जिसने कहा कि मैं ऐसा ऐसा हूँ ईसा बिन मरियम लाकमा क़ालतिन नसारा वैसा नहीं जैसा कि नसारा कहते हैं समझ रहे हैं? वैसा नहीं जैसा कि नसारा कहते हैं इन अला इलाहुं के वो खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं कौल ये है उसके बारे में सच्ची बात सच्ची बात अजीफी है यम तरून जिसमें लोग शक कर रहे हैं कौल अ हक़ की एक दूसरी तफसीर कौल अलक ए कलीमत था। कौल हक़ से मुफसर मुरा मुरा है कलीमतुल्ल कैसे फल कौल अलमह यहाँ कौल से मुराद कलेमह है कौल कलेमा कलाम दोनों को मतनाविल होता है तो कौल से मुराद अल्लाह त इस कौल कौल में कलेम है और हक वो अल्लाह त तो ये है ईसा इब्न मरियम कलिमतुल्लाह वकील लहू कलिमतुल्लाह और ईसा को क़लिमतुल्लाह कहा गया लेना वो ले बिकौल ही कु बिलास्तते कलिमतुल्लाह कहा गया इसलिए कि वो अल्लाह के क़लिमा अल्लाह के कौल कुन से पैदा हुए बाप के वास्ते के लिए इसीलिए उनको उनको कहा गया व इरतफाऊ यानि कौल हक इस बिना पर कि खबर के बाद ख़बर है ख़बर के बाद ख़बर है यानि ईसा इब्न मरियम एक खबर और कौल दूसरी खबर यमाल है तीसरी खबर का भी ईसा पहली ख़बर इब्ने मरियम दूसरी ख़बर और कौल तीसरी खबर तो रफ़ा है इस बिना पर की खबर है और एक मबदा के लिए कई खबर हो सकती जैदा हाफि एक मब्ता की कई खबर हो सकती है इसमें कोई कबात नहीं या तो रफ़ा इस बिना पर की खबर की बात खबर है या रफ़ा इस बिना पर है कि मबदा महसूफ़ की खबर है या इस बिना पर किसी से बदल है और मब्दलिन मरफो तो बदलवी मरफो व नस्ब हो नसब हो और उसका नसब यानी कौल अक़ ये इबन आमिर शामी की किरत है और इमाम आसिम की किरत है मध के बिना पर या मफोल मुतलक होने के बिना पर अकूल व कौल हक मैं सच्ची बात कह रहा हूँ यानी अकूल व कौल हक़ मैं सच्ची बात बता रहा हूँ क्या कौल हक कि वो मरीम का बेटा है ईसा मरीम का बेटा है लई सब अला मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि ईसा मरीम का बेटा है लई सब अला वो मबूद नहीं है जैसा कि लोग उसे पुकारते हैं ऐसा नहीं है यह है वो सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं जिसमें लोग इख्तलाफ़ कर रहे हैं ये मफसर बयान कर रहे हैं कि यम तरून यकून लोग शक कर रहे हैं मिनल मिरिया क्या मतलब कहना चाह रहे हैं अगर यम तरून मीरिया से मुश्तक है तो मिरिया के माना शक है जिसमें लोग शक कर रहे हैं और अगर मेरा से ये मुश्तक है तो मेरा के माना इख्तलाफ करना है यानी यख या तलेफ़ून जिसमें लोग इख्लाफ कर रहे हैं तो ये है सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं अगर ये मीरिया से माखोज़ है और अगर मेरा से माखोज़ है तो जिसमें लोग इख्तलाफ कर रहे हैं इख्तलाफ कर रहे हैं और लोग शक कर रहे हैं तो वकालत यहूद इख्तलाफ करते हुए यहूदियों ने ईसा के बारे में कहा कि वो ज़ाहिर कज़ाब जब है नौज़ बिल्ला असतफरल वकालतिनसारा और नसारा ने उनके बारे में इख्तलाफ़ करते हुए कह दिया इब्न अल्लाह ईसा अल्लाह के बेटे हैं कभी तो ऐसा कह दिया किसी ने ऐसा कह दिया किसी फ़िरके ने ऐसा कह दिया कि अल्लाह के बेटे हैं और किसी फ़िरके ने कह दिया सालिस सो सलासा तीन में का तीसरा है माकानयमिन व सुबह है अल्लाह का ये काम नहीं है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए यानी माया अम्बीर हो उसका ये काम नहीं है उसके शया निशान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए जी अब बेबिन मिन के साथ लाया गया नफ़ी की ताकीद के लिए सुबह न वो पाक ज़ात है है जात हो उसकी ज़ात पाक है वलत के बनाने से और उसे वलद की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका हाल ये है कि जब वो किसी बात का फ़ैसला करता है तो उसे हुक्म देता है कौन हो जा और वो हो जाती है तो जो इस मकाम पर है उसे वलद बनाने की अकलन भी ज़रूरत नहीं है हमें वलद की ज़रूरत है क्योंकि हमारा ये मकाम नहीं है हमें उसकी किसी काम के लिए बुढ़ापे में कमज़ोरी की वजह से वलद की हाजत होती है मगर उसकी शान तो ये है कि जब वो किसी बात का फ़ैसला करता है तो कहता है हो जा वो हो जाती उसे वलद बनाने की ज़रूरत नहीं है मकान अली लाइत तक़मी वलद अल्लाह का ये काम नहीं है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए पाक है वो बेटा बनाने से इज़ा कज़ा अमरन जब वो किसी बात का फ़ैसला करता है तो उससे फरमाता है कि हो जा वो हो जाती है बिन नसब नस्ब के साथ यानी यकून है अख्तलाफ करत की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं नसब के साथ इबन आमिर शामी की किरत है कमा कला ईसा जिस तरीके से अल्लाह रबालज़त नेसी के तल्लुक़ से फरमाया कौन हो जा फ़कान तो ईसा हो गए मिन गैर अब बैर बाप के वो मन का ना मुतसब लिहाजा और जो इस सिफत से मुतसफ़ है वो मुनजा होता है कि हवान वालद के मुशा बखर दवाना अनिलहमदल रबिलमीन